गन्ने की फसल के पांचवें या सातवें महीने में पुरानी पत्तियों को शीत समेत उतार दिया जाना चाहिए। उतारी गई पत्तियां या तो वहीं खेत के खांचों में बिछाकर मल्च के रूप में प्रयोग कर ली जाती हैं या उन्हें कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। औसतन एक हेक्टेयर के खेत में से 15 से 20 टन पुरानी पत्तियां प्राप्त होती हैं। एक टन पुरानी पत्तियों से 3.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1.3 किलोग्राम फास्फोरस और 6.5 किलोग्राम पोटाश की मात्रा उपलब्ध होती है। गन्ने की गहन खेती के कारण और कार्बनिक खादों को उचित मात्रा में प्रयोग न किए जाने के कारण गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या देखी जाने लगी है। लोहे की कमी के कारण हरित रोग क्लोरोसिस गन्ने में एक प्रमुख समस्या है, विशेषकर चूनेदार मृदाओं में चूना प्रेरित क्लोरोसिस। इस क्लोरोसिस को शिराओं के बीच देखा जाता है और इससे पौधे बौने रह जाते हैं। इसे फेरस सल्फेट के 0.5 से 1% के घोल को बार बार स्प्रे करने से ठीक किया जा सकता है। प्रेस मड और खलिहान खाद डालने से क्लोरोसिस को कम किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण समस्या जस्ते की कमी की है, विशेषकर उन मृदाओं में जहां धान की खेती भी की जाती है। जस्ते की कमी को 0.5% जिंक सल्फेट के घोल के स्प्रे द्वारा ठीक किया जा सकता है। मृदा का 100 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 40 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपचार लाभकारी पाया गया है। गन्ने की पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रजाति, क्षेत्र, मृदा वर्ग और खेत के साथ बदलती है, अतः आपको सलाह दी जाती है पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता का निर्धारण खेत आधारित होना चाहिए।